कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है, लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई, 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफत का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफत के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। आंखों की बीमारी है हमारे घरों में, जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है, देशी गाय का मूत्र आंख में डालो। गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, एक एक बूंद उसको आंख में डालो, सुबह डालो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा, रेटिना में कोई भी तकलीफ हो वो मूत्र से ठीक हो जाएगी। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार, उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती है अक्सर, वो आंखों का लाल लालमी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया, इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना, नहीं तो आंखों में जलन।
जो माँ नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है, पस निकलता है, गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है, गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए, गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है।